पानी निकलता है, गेट है ना, तो देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम आशा कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोग का हमारी छोटी सी वीडियो में फिर से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं अच्छा जगह, पिकनिक जगह, घूमने जगह। और दोस्तों, हमारा घर से 80 किलोमीटर होगा दोस्तों। और दोस्तों, उसी जगह जाके हमारा लोकेशन पर जाके आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो बनते रहिए और आप लोग देखिए, मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए। और दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए हैं, देखिए हाथीगढ़ डैम। इस तरफ देखिए पार्किंग के लिए सब जगह है, और इस तरफ मेन गेट है, उस तरफ जा रहे हैं अभी दोस्तों। दोस्तों, ये गेट है, इस तरफ लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, 2-wheeler, 4-wheeler, 6-wheeler गाड़ी अंदर जाने के लिए निषेध है दोस्तों। तरफ दोस्तों देखिए गाड़ी बैठा इधर। देखिए दोस्तों, इधर काम भी चल रहा है। इस तरफ नज़ारा देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इधर पूरा नज़ारा देखिए, पूरा अच्छा लग रहा है। इधर देखिए उस तरफ एक पहाड़ है, बहुत ही बड़ा वाला नदी है दोस्तों। देखिए डिस्टेंस आसपास 1 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, साइन बोर्ड है। ये दोस्तों, ज़्यादा पानी आता है ना, उसी टाइम उसको इधर उधर करके लेता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि गेट की तरह दिखाया जा रहा है, ये लेकिन दोस्त गेट नहीं है, ये सिर्फ इस तरह देखिए, ऊपर वाला देखिए, इतना अच्छा लग रहा है लुक देखिए। और दोस्तों, अभी मकर का टाइम है ना दोस्तों, त्यौहार का टाइम है, इसलिए ज़्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए। ये देखिए ट्रेन लाइन जैसे पटरी रहता है ना दोस्तों, ये वाला देखिए दोस्तों, ये वो वाला आता है ना दोस्तों, ये वाला गाड़ी तरफ है, ट्रेन वाला, जैसे ट्रेन जैसे आता है इधर से, इसे इधर जाएगा। ये देखिए दोस्तों, गेट इस तरफ है, गेट देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखिए सीन। तरह देखिए पहाड़ ही पहाड़, बहुत ही बड़ा वाला नदी है। ये देखिए अभी घास मर गया है, बारिश का दिन में आते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है सुनिए। तो अभी पानी पानी नहीं है, इसलिए जितना घास भी था सब मर गया दोस्तों। अरे बकरी देखिए इधर चरने लगी, इधर देखिए गांव का बकरी इधर आया है देखिए। और ये वगैरह लाइट वाइट वगैरह सब साइड साइड में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है देखने में दोस्तों। और उस तरफ बाद में लास्ट में जाएंगे, उस तरफ नीचे की तरफ जाएंगे, उस तरफ से देखेंगे गेट कितना गेट है, आप लोग को दिखाएंगे जाके। और तो इस तरह में देखिए दो बोट है, छोटा छोटा बोट है, मछली पकड़ने के लिए सब बोट है दोस्तों, लेकिन यहाँ कोई एंजॉय करने के लिए है नहीं, लेकिन मछली वाला का बोट है इसमें। और इस तरह भी छोटा वाला, सब तरफ है खाली पानी ही पानी भरा हुआ है देखिए दोस्तों। और अंदर में एक द्वीप है, जिसमें देखिए थोड़ा सा ऊंचाई जगह है, पेड़ है, सब कुछ है इसमें, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। ये देखिए पाना जी और हमारा बेटी खेल रहा है, आगे आगे जाके खेल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
दोस्तों मेरे का थोड़ा शादी हो गया, इसलिए थोड़ा भस्त अलग रख रहा है लग रहा है। ये देखिए साइड में एक एक लाइट दिया हुआ है। इस प्रकार का पेंटिंग हो जाएगा तो ना बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है इधर देखने में, ऐसे चारों तरफ पेंट हो जाएगा ना बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों इस तरह भी एक गेट है अंदर आने के लिए, गाड़ी को मना किया है, प्रोहिबिटेड एरिया है दोस्तों। पूरा लास्ट डैम का दूसरा साइड में आ गए अभी हम। ये गेट अभी बन रहा है, पॉइंट नहीं किया है, अभी चालू हो रहा है, पॉइंटिंग करेगा तब तो अच्छा लगेगा। फिर ये दोस्तों छोटा वाला गेट है, पानी की तरफ जाने के लिए रास्ता इधर है। ये देखिए लकड़ी से बना है वाला बोर्ड, देखिए ये वाला देखिए, इसके बेट में बैठ के मछली पकड़ते हैं दोस्तों। ये देखिए जाल भी है बोट में, और मशीन वाला जो बोट है ना वो तो इसके पास अभी जा रहा है। दोस्तों देख पा रहे हो ना, ये वाला देखिए बोट, मशीन लगा हुआ है। अरे दोस्तों इसमें तो लोग बैठते हैं ना, बैठने के लिए बना हुआ है, चेयर प्यार है ताना जी। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फॉरेस्ट एंड अच्छा, ये एमरजेंसी के लिए है होगा, कुछ मतलब एक्सीडेंट हो गया और गवर्नमेंट वाला का है बोट, इसलिए रखा हुआ है एमरजेंसी के लिए दोस्तों होगा। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है बोट देख। तो दोस्तों देखिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिए सबसे अच्छा लगता है दोस्तों नीचे से देखने में। तो देखिए सीढ़ी हुआ है नीचे जाने के लिए, इस तरह भी लोग ज़्यादा है। पानी निकलता है गहरे में दोस्तों, वो साइड है देखिए दोस्तों, वो देखिए पानी जैसे निकल रहा है, व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है पानी। इसमें तो 8 गेट है दोस्तों, और नीचे वाला गेट खुला है, ज़्यादा पानी रहता तो ऊपर वाला गेट खुलता है, ये वाला भी ऊपर वाला। और नीचे की तरफ लोग गया है, हम भी जाएंगे नीचे। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए नीचे की तरफ आ गए जो गेट है, नीचे वाला गेट है वो भी निकल रहा है, ऊपर वाला गेट बंद है दोस्तों।